स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लास का दर्जी हुआ है। सो फ्रॉम टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 16। इट इज बेस्ड अपॉन द लीनियर इनइक्वेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लर्निंग व्हाट इज लीनियर इनइक्वेशन। सपोज इफ यू आर राइटिंग समथिंग लाइक x ग्रेटर देन 5, सो क्लियरली यू कैन सी एन इनइक्वालिटी साइन ओवर हियर, व्हिच इज दिस इज ग्रेटर देन साइन। ठीक है, तो कभी भी अगर आप किसी भी इक्वेशन में अगर आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन यूज करते हो, देन दैट इक्वेशन टर्न आउट टू बी अ इन इक्वेशन। ठीक है, वो इक्वेशन जो है वो इन इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्बल मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हिच इज x इज ग्रेटर देन 5। बट व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मींस दैट एनीथिंग व्हिच इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो 5 से बड़ी है उसका सॉल्यूशन आपको यहां पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, so this would be anything like 5.1, 5.2, 5.3 and so on। ठीक है, और इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5.01, 5.001। सो देयर कुड बी इनफाइनाइट मेनी नंबर्स विच वुड बी ग्रेटर देन 5 इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द डेटा टाइप ऑफ दिस x। अगर हम x का डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट solutions इसके हो जाएंगे। ठीक है, so for this we can clearly write here that x belongs to natural number। अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे कि x is greater than 5 and x belongs to natural number, that means we have improved the definition of this expression। हमने expression का जो definition है उसको थोड़ा सा improve किया है। हम ये कह रहे हैं कि anything now which is greater than 5 should be a natural number as well। ठीक है, तो इसका जो answer होगा that will be 6, 7, 8, 9, 10, --, up to +∞। Okay? So from here you can clearly and simply understand what does an inequation generally refers. Okay? Now we'll be learning how to approach certain kind of questions when they will be coming in your exercises. So I think from the previous example you have got a clear idea about the things कि जब भी इन इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि उसमें जो इक्वेशन की बात की गई है उसमें उसका डेटा टाइप क्या डिफाइन किया गया है, बिकॉज सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीटली डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव फर्दर टू एक्सरसाइज 16 एंड आई विल टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। दे आर सेइंग दैट इफ x बिलोंग्स टू, दे आर सेइंग इफ x बिलोंग्स टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, and 3। That means in the question itself they have provided you the universal set जिससे कि आपको values को क्या करना है, pick करना है। ठीक है, based on the solution of the given inequations। So first inequation is x+2> 1। They are saying that x+2> 1 and you have to solve this and then pick the values out of this given universal set. Okay, so for this we can follow certain simple steps. Kya steps hote hain in equation ko solve karne mein? Hum log kya karte hain, balancing ka jo process hai wo leke chalte hain. Jo hum log right hand side pe karenge wahi hum log left hand side pe bhi simultaneously parallel karte jayenge. Theek hai, so you clearly understand ki jo hame yahan se x ka value pata karna hai, theek hai, aur x ke bagal mein hai jo +2, therefore we are clear with the idea कि हमें इस प्लस टू को यहाँ से रिमूव करना होगा, है ना? और रिमूव करना है तो मतलब इसका एक अपोजिट साइन का 2 लेके आ जाएंगे तो ये प्लस टू यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो we can write x+2 and -2> 1। और मैंने क्या कहा, जो इधर करेंगे वही यहाँ पे भी करेंगे। मैंने यहाँ पे -2 किया तो सर्टेनली यहाँ पे भी -2 करना है, ठीक है। +2 and -2 will be eliminated. It will be x is less than 1, -2 will be -1. So answer कितना है? X is less than -1. तो आप clearly देखो इस solution set के अंदर कौन सी ऐसी values है जो -1 से छोटी, -2 and -3। Therefore the answer for this question will be -3 and -2. ठीक है?
अगर यहाँ पे ये सोल्यूशन सेट ना गिवन होता तब इन्फिनेटली मैनी आंसर्स आते, क्योंकि माइनस वन से छोटी इन्फिनेट वैल्यूज हो सकते हैं, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, डैश डैश करते हुए माइनस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज हो जाते, बट क्योंकि हमें यहाँ पे सेट गिवन है उसमें सी वैल्यूज को करनी, देयरफॉर द आंसर विल बी माइनस थ्री कॉमा माइनस टू. ओके, नाउ लेट्स मूव विद वन मोर क्वेश्चन, पार्ट नंबर एट. Question number one, part number eight. Part number eight is saying that 3x minus 5 less than or equal to, so it is given greater than or equal to 3x minus 5 greater than or equal to minus 12. So again you have to solve for x. अगेन सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, माइनस फाइव को यहाँ से रिमूव करना है, अगर यहाँ माइनस फाइव है तो एक प्लस फाइव आप लिया होगा तो ये माइनस फाइव यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इधर प्लस फाइव करेंगे तो यहाँ पे पैरेलल प्लस फाइव ही करेंगे एंड सो ऑन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. 3x माइनस फाइव प्लस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ट्वेल्व एंड प्लस फाइव. ठीक है, आई हैव एडेड प्लस फाइव ओवर हियर, सो आई विल बी डूइंग द सेम ऑन द राइट हैंड साइड एज. So this will be giving us 3x greater than or equal to, this will be minus 7. Okay? Now, हमें 3x की वैल्यू पता चली है, तो हमें चाहिए वैल्यू x की, है ना? Therefore, what we'll be doing, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर दें. अगर हम यहाँ से 3 को डिवाइड करें तो ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा, तो इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस विल बी एलिमिनेटेड, आंसर विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7 अपॉन x के वो सारे वैल्यूज जो -7 से -7.3 से बड़े हो या फिर इक्वल हो, दे विल कम अंडर द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, कैसे पता करें, अगर इसको आप डेसिमल तक सॉल्व कर लोगे तो वी नो दैट 3 2 6 1 बचेगा. ठीक है, 0 लगाएंगे, दिस विल बी 0.333 एंड दैट. ठीक है, माइनस, तो आंसर वुड बी x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2.3. वो सारे वैल्यूज जो -2.3 से क्या होंगे, बड़े होंगे, दे विल बी कमिंग इन द आंसर. ओके, तो -2.3 से कौन बड़ा है, -2 बड़ा है. ठीक है, -1 बड़ा है, 0 बड़ा है, 1 2 एंड 3. सो आंसर फॉर दिस विल बी -2, -1, 0, 1, 2 एंड. So this is the complete idea behind this question. Okay? Now let's see one question of question number 2. The rest of the questions of question number 1 are your homework and you will be trying those questions by yourself. Question number 2. The condition is saying that now here x belongs to natural number. Yeah, this condition is if x belongs to natural number. आप जानते हैं natural numbers क्या होते हैं? Numbers starting from 1 and going to the positive side of the infinity, they are termed to be as the natural numbers. So I will be taking part number 2. Part number 2 which is given 7x plus 3 less than or equal to 17. Less than or equal to 17. ठीक है? सेम प्रोसेस फिर से करना है, इस प्लस 3 को रिमूव करेंगे तो माइनस 3 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दिस विल बी 7x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 17 माइनस 3. ठीक है, ये एलिमिनेट होगा, दिस विल गिव यू 7x इज लेस देन और इक्वल टू 14. ठीक है, अब हमें x के लिए चाहिए तो 7 से डिवाइड करें, इधर भी और इधर भी, दिस एंड दिस विल बी एलिमिनेटेड, दिस विल बी 1 एंड 2. आंसर विल बी x इज लेस देन और इक्वल टू 2. That means you have to write all those natural numbers which are either less than 2 or equal to 2. तो ऐसे कौन से natural numbers होते हैं? सिर्फ 1 और 2 ही ऐसे natural numbers हैं जो कि 2 से छोटे हैं या 2 के equal हैं. So this will be the answer of your part number 2nd, question number 2. Now let's see one more part of this question, part number 6. Part
पार्ट नंबर 6 इज सेइंग दैट माइनस 1 अपॉन 4 लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 1 अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 ओके अगेन यू हैव टू सॉल्व फॉर x तो क्या कर सकते हैं इस x अपॉन 3 के पास में 1 अपॉन 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एक माइनस 1 अपॉन 2 लेके आ जाएंगे तो यहां से एलिमिनेट होगा और यहां माइनस 1 अपॉन 2 यूज करेंगे तो यहां पे भी माइनस 1 अपॉन 2 यूज करना पड़ेगा दिस विल बी माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 ठीक है दिस एंड दिस विल बी एलिमिनेटेड इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा इट विल बी 4 4 1s are 4 1 into minus 1 will be giving you minus 1 now 2 2s are 4 and 2 into minus 1 will give you minus 2 and less than or equal to minus x upon 3 okay? this will be, give you minus 3 upon 4 less than or equal to minus x upon 3 okay? अब आप क्लियरली देख पा रहे हो हमें minus x upon 3 का वैल्यू नहीं चाहिए हमें चाहिए वैल्यू किसका सिर्फ और सिर्फ x का इस 3 को रिमूव करना है हमको क्या करना पड़ेगा इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना ठीक है मल्टीप्लाई विद 3 ओवर हियर एंड आल्सो मल्टीप्लाई विद 3 ओवर हियर ठीक है 3 एंड 3 विल बी एलिमिनेटेड विल बी गेटिंग द आंसर दैट इज माइनस 9 अपॉन 4 is less than or equal to minus x ठीक है एक चीज और है ना जब भी आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो तो ये साइन है बीच में इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाता है ठीक है अगर ये लेस देन और इक्वल टू लिखा है अगर दोनों तरफ से माइनस साइन को कॉमन लेके एलिमिनेट करेंगे तो ये ग्रेटर और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा तो दिस विल बी 9 अपॉन 4 को आप लिख सकते हो 4 2s are 8 पॉइंट 4 2s are 8 एंड 4 5s are 20 और दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.25 is greater than equal to x या इसी को आप लिख सकते हो x is less than or equal to 2.25 तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन अब आपको देखना है कि ऐसे कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो 2.25 के इक्वल है या उससे छोटे हैं ठीक है तो 2.25 तो खुद में नेचुरल नंबर है नहीं तो इसके नियरेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है 2 है तो ऑफ कोर्स आंसर वुड बी 1 एंड 2 एंड दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट पार्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आर ओवर सो दैट इज ऑल टुडेस क्लास वी विल डिस्कसिंग द फर्दर क्वेश्चन